नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है पाल्मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपके हाथ में बने नौ ग्रह, नौ पर्वत किस भाव से क्या विचार करते हैं और उसके ऊपर बना हुआ शुभ चिन्ह आपको जिंदगी में तरक्की की तरफ कैसे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा के होने वाले जीवन के एक एक प्रोस्पेक्ट के बारे में बताती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा, हम किसी चीज को कितने गहराइयों तक लेके जाते हैं, हमारा विचार कितने निम्न स्तर तक पहुंचता है, कितने उच्च स्तर तक पहुंचता है, उसके बारे में बताता है। यह हमारी हृदय रेखा, हम किसी को कितने करीब से समझते हैं, दिल के इमोशनल प्यार के बारे में। तो आज सबसे पहले हमने नौ ग्रहों की बात की है, चाहे नौ पर्वत हो चाहे नौ ग्रहों की बात करते हैं, तो हस्तरेखा में वही चीज संभवतः आपको प्राप्त होगी और जीवन के हर पड़ाव पर आपको साथ देने वाले हैं। ये पूरी जिंदगी का लेखा जोखा इन नौ ग्रहों के ही चक्कर में है। जैसे कि ग्रहों का राजा सूर्य को मानते हैं, और सूर्य को हम किस ग्रह से किस पर्वत पर देखते हैं, क्या विचार व्यक्त करते हैं। सूर्य जैसे ग्रहों का राजा माना जाता है, अगर सूर्य का विचार करते हैं तो आपके आत्मा का कारक माना जाता है, आपके पिता का कारक माना जाता है, हड्डी का कारक माना जाता है, आपके स्वभाव के बारे में बताता है कि आपका जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र से संबंधित कार्य करेंगे। सूर्य का जो क्षेत्र बताता है वो सरकार से जुड़े हुए कार्यों के बारे में बताता है। सूर्य आपको मान प्रतिष्ठा यश आपको सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए संबंधी कार्यों में बहुत ही ज्यादा सफलता दिलाता है। और अगर सूर्य के पर्वत पर एक शुभ साइन है, ये सूर्य का पर्वत है और यहां पर एक लाइन हो खड़ी, और इसी खड़ी लाइन के ऊपर एक फिश का साइन बनता हो, ऐसे लोगों को अथाह धन पूरी लाइफ में मिलता है और उसका मान सम्मान काफी वृद्धि करते हैं यहां पर ये फिश का साइन। और जो सूर्य का रतन है ना वो माणिक्य है। अब इसी के साथ एक दूसरा साइन देखते हैं। सूर्य के बाद ये दूसरा साइन हमारा ये चंद्रमा का है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा से हम किस ग्रह का विचार करते हैं, माता का करते हैं, मन का करते हैं, प्रसन्नता का करते हैं, धन का करते हैं, और इससे जुड़े हुए कारोबार जैसे आर्ट कल्चर के क्षेत्र में समुद्र के जरिए व्यापार करते हैं। यह हमारे मून के पर्वत पर ये फिश का साइन बनता है। ये एक शहर से दूसरे शहर के आवागमन के बारे में बताता है, बिजनेस को जोड़ने का काम करता है। जैसे मन हमारा है चंचल है, वैसे हमारा मन एक जगह पे नहीं टिकता है, व्यापार के माध्यम से या एक दूसरे शहर के आवागमन के बारे में बताता और वहां से धन अर्जित के बारे में बताता। अगर आपके हाथ पे चंद्रमा के पर्वत पर ये मून का साइन है तो आप जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, नाम और यश की प्राप्ति करेंगे। इसी के साथ अगला जो शुभ साइन है ये हमारा मंगल का है। मंगल किस चीज को व्यक्त करता है विचार? जैसे मंगल भाई का कारक माना जाता है, पराक्रम का कारक माना जाता है, साहस का कारक माना जाता है, शत्रु का कारक माना जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है सेना को भी करता है, और इसका जो रतन है वो मूगा है। अगर ये आपका ये मंगल का पर्वत है, इस पे शुभ साइन बना है, यहां पर एक स्टार बनता है। स्टार क्या करता है? पावर के गुणों को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है उसके गुणों को, और अपार क्षेत्र में सफलता दिलाता है। यहां पर अगर आप
भूमि से जुड़े हुए कारोबार करते हैं, सेना में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, आपको अथाह सफलता दिलाता है। इसी के साथ एक और विचार करते हैं, ये बुध, बुध ग्रह के ऊपर जो हम विचार करते हैं, बुध एक विवेक है, बोलने की कला है, वाणी के ऊपर विचार करते हैं आप, गणित के ऊपर करते हैं, आपके व्यापार के ऊपर करते हैं, लेखन कार्य के ऊपर काम करते हैं। अगर बुध का कारोबार करते हैं, जैसे कि यहां पर एक त्रिकोण का साइन, त्रिकोण का साइन बनता है, ये आपको अपार सफलता दिलाएगा। और जैसे कि विदेश में भी व्यापार करके आप एक ऊंचे बहुत स्तर तक जाएंगे, आपको मतलब जो मिलेगी श्रेष्ठता मिलेगी व्यापार के दम पे मिलेगी, व्यापार आपका बहुत ही अचानक से वृद्धि करता है, यहाँ पे व्यापार को बढ़ाता है। और जो बुध का रतन है वो पन्ना है। इसी के साथ अब आते हैं जो हमारे एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, पर्वत माना जाता है, देव के देव गुरु है बृहस्पति देव जी, उनकी बात है। अगर देव गुरु बृहस्पति का ये पर्वत उच्च का है, उठा हुआ है, जितने भी पर्वत के गुण होते हैं उसके उभार से ये गणना की जाती है। जैसे कि अगर हम देव गुरु की बात करते हैं तो विद्या के ऊपर विचार किया जाता है, आपकी वाणी के ऊपर विचार किया जाता है, आपकी बुद्धि के ऊपर विचार किया जाता है, ज्ञान के ऊपर किया जाता है, आपके बच्चों के ऊपर विचार किया जाता है, देवता के ऊपर विचार किया जाता है, धर्म के ऊपर विचार किया जाता है, ज्ञान के ऊपर विचार किया जाता है। अगर इनका रतन ही तो पुखराज है। और अगर यहां पर एक शुभ साइन है, यहां पे एक बरगा त्रिकोण, माफ करना, त्रिकोण बनता है, तो बहुत ही शुभ प्रभाव देता है। ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है, इनको नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग एक किसी भी डिपार्टमेंट में रहेंगे उसका नेतृत्व करते हैं, पॉलिटिकल में जाते हैं, और ऐसे लोग सलाह देने का काम करते हैं, गुरु का काम करते हैं। इसी के साथ एक और साइन देखते हैं जो कि यहां पर ये शुक्र का पर्वत है। शुक्र के पर्वत से हम किस चीज का विचार करते हैं? शुक्र जो है कामदेव वासना के बारे में विचार करते हैं, वाहन के बारे में विचार करते हैं, मकान के बारे में विचार करते हैं, आभूषण के बारे में भी विचार करते हैं, सुख शांति के ऊपर विचार करते हैं, गीत संगीत के बारे में विचार करते हैं। अगर यहां पर एक वर्गाकार बनता है, ये वर्गाकार इंसान को प्रॉपर्टी दिलाता है, बड़े घर में रहने का सौभाग्य दिलाता है, ऐसे लोग सुख समृद्धि की तरफ जाते हैं। और इनका जो रतन है वो हीरा है। ऐसे लोग बड़े बड़े व्यवसायी का काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल का काम करते हैं, और जिंदगी में खुशियां पार मिलती हैं। इसी के साथ एक और ग्रह के विचार के बारे में बताते हैं, जैसे शनिदेव। शनिदेव न्याय के कारक माने जाते हैं, न्यायाधीश कहे जाते हैं। अगर शनि की बात करते हैं तो नौकरी के कारक है, मशीनरी के कारक है, संकट के कारक है, आय कोई भी कारक है। अगर ये भाग रेखा या पर्वत इसके ऊपर एक वर्गाकार बनता है, वर्गाकार किस चीज के बारे में यहां पर विचार करवाते हैं? यहां पर तंत्र मंत्र की विद्याओं के बारे में। ऐसे लोग तंत्र मंत्र की विद्या में निपुण होते हैं और तंत्र मंत्र की विद्या से धन अर्जित करते हैं ऐसे लोग। और जो शनि का रतन है वो नीलम धारण करते हैं। और इसी के बाद अगला जो चिन्ह है वो है राहु का। ये राहु किस चीज के विचार करते हैं? ये राहु का क्षेत्र है। राहु के क्षेत्र पे अगर यहां पर एक त्रिकोण बनता है, विचार करते हैं जैसे अचानक से प्रोवाइड चीजें करता है राहु, अचानक सी चीजें छीन लेता है, अचानक सी चीजें माला माल बना देता है, तो वो उस चीज के बारे में रिप्रेजेंट करता है। राहु के क्षेत्र पे ये त्रिकोण एक राजनेता के तौर पर आपको नियुक्त करता है और संपत्ति भी देता है, तो अचानक से छप्पड़ फाड़ कर देता है,
बहुत अधिक मात्रा में देता है। और जो राहु का रतन है वो है गोमेद, और इसी के साथ एक और ग्रह का विचार करते हैं, ये केतु का क्षेत्र है। केतु रिप्रेजेंट करता है जो जिस चीज के बारे में हम विचार करते हैं। केतु जो है एक मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है। ये केतु के पर्वत पर अगर ये एक फिश का साइन बनता है, ये अपार सफलता दिलाता है, इंसान को धर्म कर्म से जोड़ के रख देता है, अच्छे कार्य करवाता है, यहां पर मोक्ष की भी प्राप्ति करवाता है। ऐसे लोग दूसरे की सेवा भावना करने वाले होते हैं, जिंदगी में इनको अपार सफलता मिलती है, कभी इनको पैसे का हाथ तंग नहीं होता है और जिंदगी में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।